झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो गया है और इस सियासी बुखार की वजह भी इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन जिसे एक वक्त तक बुखार ना आए उसके लिए लगाया जाता था, अब वही कोरोना वैक्सीन सियासी बदनामी झेल रहा है। मुख्यमंत्री खुद डरे हैं कि पता नहीं क्या होगा। डरे इसलिए हैं क्योंकि कोरोना वैक्सीन उन्होंने भी ली है। कौन सा दवा हम लोग ऊपर लगा दिया है भगवान जाने, और हमको तो कोरोना हुआ भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रहना है तो सबसे पहले दवा भी लगवाना है। पता नहीं कौन सा दवा ठकवा दिया हमको, कल क्या होगा पता नहीं। और आज जो दौड़ हो रहा है सिपाही का, उसमें जो बच्चे का देहांत हो रहा है उसमें भी उसका उस इंजेक्शन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कई उल्टे सीधे पैसे कमाने के लिए ये किसी का भी कुछ कर सकते हैं, किसी का भी जान ले सकते हैं। ये डर यूं ही नहीं मुख्यमंत्री को लगा, कोरोना वैक्सीन आरोपों को घेरे में फिर है और आंकड़ों की गवाही में भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आशंका है कि सिपाही बहाली में अभ्यर्थी की जैसे जान गई उसकी वजह कोरोना वैक्सीन हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ऐसी आशंकाओं पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि बेवजह वैक्सीन को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन को इतने होशियार नहीं बनना चाहिए, भाई राज्य के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे वो राज्य के वो मुख्यमंत्री है और वो कोरोना वैक्सीन के बारे में इस प्रकार की बोलना, यानी इसको क्या कहते हैं कि बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे। भाई कोरोना वैक्सीन ने इस देश के 40 करोड़ जनता को ही नहीं बल्कि धरती के 100 से अधिक देशों को लोगों को भी उन्होंने बचाया। और कोरोना वैक्सीन के बाद सिर्फ झारखंड में ही सिपाही की बहाली नहीं हो रही है, देश के कई एक राज्यों में सिपाहियों की बहाली हुई, कई लोगों ने दौड़ा वहाँ मरे नहीं। भारत सरकार के भी जो संस्थान है, CRPF है, BSF है, सेना के जवान है, अग्निवीर के जवान है, उन लोगों ने भी दौड़ा और वहाँ भी बहालियाँ हुई, ट्रेनिंग भी हो रहा है, ट्रेनिंग भी पूरा हो गया, कहीं तो कोई मरा नहीं। अगर यहाँ इनकी कुव्यवस्था के कारण लोग मर रहे तो आप साहब इसको स्वीकार करिए, उसमें जांच करिए, लेकिन आप कोरोना वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं तो क्या आप बोल रहे हैं? थोड़ी तो इनको समझदारी होनी चाहिए, लेकिन इतना आपको ज्ञानी मत बन जाओ कि आप कोरोना वैक्सीन के कारण मर रहे हैं। झारखंड में चुनावी रंग घुलने से पहले कोरोना वैक्सीन की सुई सियासत को चुभने लगी है, लेकिन चलिए अब ले चलते हैं 4 महीने पहले दिल्ली की सियासत में आपको, और यहीं से लगने लगेगा कि वैक्सीन क्यों विपक्ष के घेरे में है। 30 अप्रैल को कोविड वैक्सीन पर सवाल उठे थे, कांग्रेस सपा ने अप्रैल में ये सवाल उठाए हुए थे। कोरोना के बाद हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की वजह वैक्सीन को बताई गई। कोरोना के बाद स्वस्थ आदमी की मौत पर भी वैक्सीन को बदनाम किया गया। विपक्ष ने वैक्सीन की जांच का मुद्दा उठाया, भारत में बड़े पैमाने पर साइड इफेक्ट्स का मुद्दा उठा। क्या अब इस तरह के सियासी सवाल से ऐसा लगने लगा है कि क्या वैक्सीन बनाने वालों की जांच होगी? ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।